वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही देश कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल चीज लेकर आया हूँ। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने अलग अलग किताबों से चुन कर दिए हैं, जो किताबें आपके प्रीवियस ईयर पेपर सेट करते हैं। यानी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके आए हुए जो एग्जाम्स हैं, होने वाले पहले जो हुए हैं, उन्हीं में से छांट करके आपको दिए गए। इसलिए इन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप जरूर तैयार करें, जरूर तैयार करें, क्योंकि ये वो इडियम्स हैं जो कभी भी फेल नहीं होंगे आने में। यानी निश्चित ही आपके एग्जाम्स में आपको आएंगे, नहीं आएंगे तो आप मुझे जरूर शिकायत करिएगा। लेकिन आप विश्वास करिए, ये सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम में। अगर आप CHSU का पेपर देने जा रहे हैं, आप MTS का पेपर देने जा रहे हैं, इवन आप CGL मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, आप इस सारी तैयार करके जाइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि सारे बच्चों की जरूरत है इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आगे मैं और भी इस तरीके की बहुत सारी चीज देता जाऊंगा, तो आप शेयर करते रहिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका सेशन मेरा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस सारे मैं आपको समझा के इस सारे इडियम्स बोलूंगा। ओके, देखिए, for his alleged involvement in espionage, he is under a cloud. क्या है वो? He is under a cloud. Under a cloud होना means संदेह के दायरे में होना। तो संदेह के दायरे में होना क्या हो जाएगा? Under suspicion. तो under a cloud का क्या हो जाएगा? Under suspicion. यानी जो व्यक्ति संदेह के दायरे में हो वह under suspicion है, under cloud। Next question आपका है, we have appealed to him अगेन एंड अगेन। यानी हमने उससे बहुत बार अपील की, देर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ। आपका इडियम है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स होता है जब आप कोई निष्फल प्रयास करें, मीन्स ऐसा प्रयास करें जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। यानी ऐसा प्रयास जिसका कोई फायदा ना हो वह फ्लॉग अ डेड हॉर्स होता है। तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रिच्ड ऑफ द अर्थ। रिच्ड मीन्स जो असहाय होते हैं, निर्बल होते हैं, वो रिच्ड होते हैं। तो हमें उनको लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए। तो लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या होते हैं? लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है नाक भौं सिकोड़ना, मीन्स किसी के प्रति अपमान का भाव रखना, उसके प्रति अनादर का भाव रखना। तो लुक डाउन अपान का आंसर हो जाएगा रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। क्या हो जाएगा? रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। यानी रिगार्ड मीन्स विचार, सोच, और कंटेम्प्ट समझते होंगे, कंटेम्प्ट मीन्स घृणा होती है, अवमानना होती है। जब आप किसी के प्रति घृणापूर्ण विचार रखते हैं तो वह लुक डाउन अपान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर He is bound to face the music. क्या है? Face the music. Face the music क्या होते हैं? जब आपका बॉस आपको खरी खोटी सुनाता है, आपकी आलोचना करता है, आपको कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो यू आर बाउंड टू फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक का आंसर क्या हो जाएगा? गेट reprimanded. यानी डांट फटकार सुनना, यानी आलोचना सहन करना, कठिन परिस्थिति का सामना करना। तो फेस द म्यूजिक, गेट reprimanded. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड, यानी फैक्ट्री की जो वर्किंग थी, कार्य था, वो बाधित हो गया ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक। अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स जो थे वो टोकन स्ट्राइक पर चले गए। टोकन स्ट्राइक क्या होता है? जब आपको कोई टोकन दिया जाता है तो कहा जाता है ना, ये सिंबल इस चीज का कि आपने सामान रखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज टोकन स्ट्राइक। स्ट्राइक में हड़ताल होती है, यानी एक ऐसी हड़ताल
जो बता करके की जाती हो, वार्निंग के रूप में की जाती हो, वह टोकन स्ट्राइक होती। टोकन स्ट्राइक में होती सांकेतिक हड़ताल, तो क्या हो जाएगा, शार्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। तो टोकन स्ट्राइक का क्या हो जाएगा, शार्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल आई फेल फाउल ऑफ फेट। By opposing his proposal, चूंकि उसके proposal का मैंने oppose कर दिया, विरोध कर दिया, तो इसलिए I fell foul of him, मैं उससे क्या हो गया, असहमत हो गया। तो fall foul of means होता है असहमत होना। तो कौन सा word है जहां पे असहमत होना है, ये देखिए आपका है ना आंसर, यहाँ पे did not agree with him, यानी fall foul of means होता है जब आप किसी से सहमत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, those who work by फिट्स एंड स्टार्स, याद होगा आपको बाय फिट्स एंड स्टार्स होते हैं इरेगुलर हो, यानी जब आप कोई कार्य इरेगुलरली करते हैं तो यू आर डूइंग दिस वर्क, यू आर डूइंग द वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा इरेगुलरली, अनियमित रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। द न्यू मैनेजर, यानी जो नया मैनेजर थे, नए मैनेजर थे, थॉट, वो सोचते थे दैट की He would give employees enough rope. जैसे ही enough rope आया, आपके मन में आ जाना चाहिए कि enough rope, जब आप किसी को अधिक बड़ी रस्सी दे रहे हैं, मैं साथ उससे स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है enough rope, तो इसका मतलब है वो उसे कार्य करने की स्वतंत्रता दे रहा है। तो enough rope means कार्य करने की स्वतंत्रता देना क्या हो जाएगा, देखें इसमें कौन सा रहेगा, ये है ना आपका enough freedom for action। जब आप कार्य करने की फ्रीडम देते हैं, पर्याप्त स्वतंत्रता देते हैं, तो आप उसे एनफ रोप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तैयार करते हुए सारे नियम जरूर काम आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज ऑन एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब, जब उसने नई जॉब आरंभ की, वह एट सी हो गया, मीन्स क्या रह गया होगा, पजल्ड हुआ होगा, परेशान हो गया होगा। तो एट सी मीन्स क्या हो जाना, पजल्ड हो जाना, यानी परेशान हो जाना। तो एट सी पजल्ड हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोग पढ़ते चले, सारे तैयार करते जाए सारे बच्चे। द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाई द बॉस लेफ्ट द कॉन्सियंसियस वर्कर्स डिस्गस्टेड। कॉन्सियंसियस मीन्स ईमानदार होता है। द स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन जो सभी पर समान रूप से लागू होता हो, जनरल स्टेटमेंट कह सकते हैं, जनरलाइज्ड किया हुआ स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा स्वीपिंग स्टेटमेंट का, कोई है इसमें, ये देखिए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, यानी कोई ऐसा कथन जो सबको समान रूप पर लागू होता हो, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है। जबकि वो वर्कर्स जो विशेष रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, चाहते रहेंगे कि उनको ज्यादा श्रेय दिया जाए, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, यानी अगर आपका प्रमोशन ऑन द कार्ड्स है, यानी बिल्कुल ये संभावना है कि हर हाल में होगा, ध्यान रखिएगा, ये संभावना है कि हर हाल में ऐसा होगा, यानी ऑन द कार्ड्स क्या हो जाएगा, शॉर्टेन। प्रॉबेबल क्या होता है, केवल संभावना होती है, लेकिन निश्चित नहीं होता है कि ऐसा होगा। तो ऑन द कार्ड्स का यहां जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सर्टेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, उसने उसके मैरिज के प्रपोजल को पॉइंट ब्लैंक को इनकार कर दिया। कैसे इनकार किया होगा, सीधे मना कर दिया। तो पॉइंट ब्लैंक मीन्स क्या हो जाएगा, सीधे, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, पॉइंट ब्लैंक का क्या हो गया, डायरेक्टली। नेक्स्ट वर्ड आपका है, हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू असाइनमेंट, क्या आपने नए असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने के विचार को गिवन अप कर दिया है। तो गिव अप आपको याद होगा, गिव अप मीन्स छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज को, तो कौन सा हो जाएगा, यही है ना आपका आंसर, अबैंडन। तो गिव अप क्या हो जाएगा, अबैंडन मीन्स छोड़ देना, त्याग देना। जब आप कोई आदत वगैरह छोड़ देते हैं तो भी आप गिव अप का प्रयोग करते हैं, जब आप किसी कार्य को करना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, तो भी आप गिव अप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीजर वॉज डन टू डेथ बाई द कॉन्स्पिरेटर्स,
सीजर जो था वो कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा डन टू डेथ कर दिया गया, मीन्स क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो डन टू डेथ मीन्स तो किसी को मार देना, मर्डर कर देना, तो क्या हो जाएगा, मर्डर, ये हो जाएगा ना, डन टू डेथ का मर्डर। चलिए बढ़ते चले और आगे क्वेश्चन देखते जाइए। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 14 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट। रब समवन द रॉन्ग वे मीन्स होते हैं किसी को अन्याय कर देना, किसी को चिड़चिड़ा कर देना, बिल्कुल तंग कर देना। तो ध्यान से चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अन्याय है, यानी अन्याय समवन होता है, रब हिम या रब समवन द रॉन्ग वे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स, लगातार जो फसलों की न होना के, मतलब असफलता की फसलों के होने में, पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर, उसने फार्मर्स को टाइट कॉर्नर में रख दिया। अ टाइट कॉर्नर क्या होता है, जब आपके सामने कठिन परिस्थिति आ जाती हो, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो टाइट कॉर्नर का क्या हो जाएगा, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन अ टाइट कॉर्नर का हो जाएगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट, यानी उस कल्प्रिट, उस दोषी को ट्रेस करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसका पता लगाने का जो प्रयास किया जा रहा था, वाज अ वाइल्ड गोज चेस। याद होगा आपको माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा, अ वाइल्ड गोज चेस, निष्फल प्रयास, निष्फल प्रयत्न, प्रयत्न। अभी आपने पढ़ा था ना वो फ्लॉग और डेड हॉर्स या टू सो द सैंड होते हैं, वैसे ही अ वाइल्ड गोज चेस होता है, मीन्स निष्फल प्रयास। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूटाइल सर्च, यानी एक ऐसा प्रयास जो ऐसी खोज जिसमें आपको सफलता न मिलने वाली हो, तो अ वाइल्ड गोज चेस का हो जाएगा फ्यूटाइल सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। द स्टोरी डजंट होल्ड वाटर, यानी जो कहानी है वो होल्ड वाटर नहीं कर रही, मीन्स क्या नहीं है, कहानी विश्वसनीय नहीं, तो विश्वसनीय नहीं है, क्या हो जाएगा, डजंट होल्ड वाटर का, कैन नॉट बी बिलीव्ड। यानी होल्ड वाटर अगर होता तो क्या होता, केवल होल्ड वाटर जिस चीज पर हम विश्वास कर सकते हो वो होल्ड वाटर करती है, यहां डजंट होल्ड वाटर है, इसीलिए यहां पे कैन नॉट बी बिलीव्ड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। राज कुड नॉट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कप, अगर वो बिल नहीं चुका सकता था तो उसने क्या कहा होगा कि पुट इट ऑन द कप, मीन्स किस पर रख दिया जाए उसे उधार, तो पुट इट ऑन द कप मीन्स होता है ऑन क्रेडिट, यानी उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाइ, आउट एंड आउट मीन्स होता है पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, टोटली हो जाएगा ना, आउट एंड आउट लाइ मीन्स टोटली पूरी तरह से, जो चीज झूठ हो वह आउट एंड आउट अ लाइ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द लग्जरी कार दैट दे बॉट, यानी वो लग्जरी कार जो उन्होंने खरीदी थी, टर्न आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, यानी वो व्हाइट एलिफेंट साबित हुई। व्हाइट एलिफेंट जो किसी काम की ना हो, बहुत महंगी हो लेकिन उसका कोई यूज ना होता हो, तो क्या हो जाएगा, कोई ये आपका देखिए कॉस्टली पोजिशन बट विदाउट ऑफ एनी यूज, यानी कॉस्टली पोजिशन हो जाएगा। और व्हाइट एलिफेंट कोई बहुत महंगी चीज जिसका बिल्कुल भी उपयोग ना होता हो, वो कॉस्टली पोजिशन, जैसे आपने कोई बीएमडब्ल्यू खरीदी लेकिन आप उसका यूज ना कर पा रहे हो, घर पे खड़ी रहती हो, तो बीएमडब्ल्यू क्या है आपके लिए, एक व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क, यदि आपने काम में फेयर एंड स्क्वायर है तो यू विल प्रॉस्पर, आप क्या करेंगे, प्रगति करेंगे, समृद्धि करेंगे। तो फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ऑनेस्ट होता है ना, ईमानदार, कोई भी अपने कार्य में अगर ऑनेस्ट है तो निश्चित ही वो प्रॉस्पर करता है, तो ऑनेस्ट हो जाएगा फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्ट, ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। देर इज नो लव लास्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी विश्व के जो भी दो पड़ोसी देश होते हैं उनके बीच में जो नो लव लास्ट होता है मीन्स क्या होता होगा, अच्छा
संबंध नहीं होता होगा, तो नो लव लास्ट मीन्स क्या हो जाएगा, हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी लव लास्ट, अच्छा यहां तो हैव है ना, ये हो जाएगा नॉट ऑन गुड टर्म्स, क्यों, क्योंकि यहां नो दिया गया है, इसलिए ये हो जाएगा नॉट ऑन गुड टर्म्स, क्योंकि दो पड़ोसी वैसे भी जानते हैं कभी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध में नहीं रहते हैं, तो नो लव लास्ट मीन्स नॉट ऑन गुड टर्म्स, अगर नो नहीं होता तो हैव गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। द हेवी डाउनफॉल प्लेड हैवॉक इन द कोस्टल एरिया, वो जो कोस्टल एरिया था यानी जो बीच टाइप का एरिया था उससे वहां पर जो हेवी डाउनपोर हुआ, जो भारी बारिश हुई, प्लेड हैवो, प्ले हैवो मीन्स क्या होता है, तबाही ले आना, विनाश ले आना, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाना, तो ध्यान से सारे ऑप्शन देखें क्या जाएगा, कास्ट डिस्ट्रक्शन, तो प्लेड हैवो का हो जाएगा कास्ट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका है टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, टू हैव अ ग्रीन थंब समझते होंगे आप, तो हैव अ ग्रीन थंब में जब आपकी किसी बागवानी वगैरह में इंटरेस्ट होता है तो यू हैव अ ग्रीन थंब, है ना, तो टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग हो जाएगा सही आंसर। ये 25 क्वेश्चन हम लोगों के 25 स्टेडियम हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, 26वां देखते हैं, 26। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर समझते होंगे अस्त व्यस्त होकर के डर करके इधर उधर भागना होता है, तो क्या हो जाएगा इन डिसऑर्डरली हेस्ट हो जाएगा, यानी अव्यवस्थित होकर अस्त व्यस्त होकर इधर जल्दीबाजी में क्या कर रहे थे, वो भाग रहे थे, तो वो हेल्टर स्केल्टर कर रहे थे। आवर फाउंडर हैड डन अ हरक्यूलियन टास्क बाई कॉन्स्ट्रक्टिंग दिस ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्ट्रक्ट करके हमारे फाउंडर ने, संस्थापक ने एक हरक्यूलियन टास्क किया था, मीन्स एक बड़ा कार्य किया था, एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत अधिक परिश्रम की क्या पड़ी होगी, आवश्यकता पड़ी होगी, तो हरक्यूलियन टास्क मीन्स होता है जब आपको बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता हो, अर्थात अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, यानी एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती हो, वह हरक्यूलियन टास्क हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, हाल ही में मेरे क्लोज फ्रेंड को गॉट द सैक, यानी उसने गॉट द सैक लिया, मीन्स उसने बोलिया बिस्तर उठाया और निकल लिया उसने, मीन्स उसे क्या कर दिया गया होगा, बर्खास्त कर दिया गया होगा, तो गेट द सैक अगर लिखा हुआ है मीन्स क्या कर देना, वाज डिसमिस्ड फ्रॉम, उसे उसकी जॉब से हाल ही में डिसमिस्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया। 29th क्वेश्चन हमारा है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद, सारी idioms इंपॉर्टेंट है बट उनमें ये बहुत बार दिया गया, पुट अप विद मीन्स होता है टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना किसी कमी के बावजूद, तो पुट अप विद हर इंसोलेंस, यानी आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस, मैं उसकी बदतमीजी को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो पुट अप विद मीन्स इंड्योर, क्या करना, बर्दाश्त करना, सहन करना। नेक्स्ट है आपका, द पोएट ड्रीव ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स, ड्रॉ ऑन वंस फैंसी मीन्स होता है कल्पना करना, सोचना, तो यूज अंडरस्टैंडिंग वर्ड नहीं होगा, ये हो जाएगा यूज हिज इमेजिनेशन, यानी उसने अपनी काल्पनिक क्षमता का प्रयोग किया, तो ड्रॉ ऑन वंस फैंसी मीन्स अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना, यूज वंस इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांडेड न्यू कार, ब्रांड न्यू कार के लिए उसे पे थ्रू हिज नोज करना पड़ा, जब आपको पे थ्रू वंस नोज दिखाई दे तो समझ जाए उसे जरूरत से अधिक कीमत अदा करनी पड़ी, तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, जब आपको किसी चीज की बहुत अधिक कीमत अदा करनी पड़ रही है तो पे थ्रो वंस नोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेरी एम्बिशियस पीपल, जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, वो अपने लॉरेल्स पे रेस्ट नहीं करते, आराम नहीं करते, मीन्स वो रुक नहीं चाहते हैं, अर्थात वो सेटिस्फाइड नहीं हो चाहते, वो और अधिक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं,
तो रेस्ट ऑन वंस लॉरियस मीन्स सेटिस्फाइड हो जाना, मीन्स संतुष्ट हो जाना, तो क्या हो जाएगा, टू बी कॉम्प्लेसेंट मीन्स संतुष्ट हो जाना, आत्मसंतुष्ट हो जाना कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33rd क्वेश्चन आ गया हम लोग, इफ ही कॉल्स अगेन, ये जो दोबारा कॉल करता है, तो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माय माइंड। टू गिव वन अ पीस ऑफ वंस माइंड मीन्स होते हैं झेकी देना, समझाना उसे, तो क्या हो जाएगा, टू रेक्टिमेंड हो जाएगा, किसी को दुकारना, डांट फटकार देना। तो टू गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड मीन्स होता है टू रेक्टिमेंड हिम, उसे डांटना फटकारना, उसकी निंदा करना। नेक्स्ट आपका है द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैठक, यानी जो पार्टी हाई कमांड था वो उस खुले युद्ध को यानी खुली लड़ाई को स्टेव ऑफ करना चाहता। जब आपको लगे कोई कार्य बुरा हो सकता है और आप स्टेव ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाह रहे थे, उसे प्रिवेंट करना चाह रहे थे कि वो ओपन बैटल ना हो, अर्थात तो स्टेव ऑफ मीन्स रोक देना ताकि वो चीज ना हो पाए। नेक्स्ट आपका है 35, रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, बहुत बार एग्जाम में आया, एक आफ्टर मीन्स होता है रिजेंबल करना, क्या होता है रिजेंबल करना, मीन्स रूप रंग में समान होना, तो टेक आफ्टर का हो जाएगा रिजेंबल, यानी वो अपने पिता की तरह ही दिखाई देता। ध्यान रखिएगा लुक आफ्टर मीन्स होता है किसी की देखभाल करना, और रन आफ्टर मीन्स होता है किसी चीज के पीछे पीछे भागना होता है ना, लेकिन टेक आफ्टर क्या होता है, जब आप किसी के रूप रंग में समान होते हैं, यू टेक आफ्टर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, यानी 35 एरियम्स एंड फ्रेजेस हमने पढ़ लिए हैं, धीरे धीरे इनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। दे मेड नो बोन्स अबाउट, दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेथ्स टू हिज जीनियस। मेक नो बोन्स अबाउट मीन्स होता है कोई भी हिचकिचाहट ना होना, जब आपके मन में किसी चीज को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है, तो यू आर मेकिंग नो बोन्स अबाउट दैट, ओके। तो मेक नो बोन्स अबाउट मीन्स हिचकिचाहट ना होना, तो पहला ही ऑप्शन आपका है डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, यानी कोई भी हिचकिचाहट ना होना, मेक नो बोन्स अबाउट हो जाए। चलिए पढ़ते चले और क्वेश्चन कर लें आप। इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हिस विल रोल इन द सेक्रेटरीट, यानी मिनिस्टर के स्टेटमेंट से ये स्पष्ट है कि सचिवालय में हेड्स विल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हेड्स विल रोल मीन्स बर्खास्तगी होना, डिसमिशल होना, तो हेड्स विल रोल का क्या हो जाएगा, डिसमिशल्स विल ऑकर, यानी बर्खास्तगियां होंगी, बर्खास्त किए जाएंगे लोग, तो हेड्स विल रोल, डिसमिशल्स विल ऑकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये देखें आप, ड्यूरिंग लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रश ऑफ एवरीथिंग ही हैड, उसने जो कुछ भी किया था मेड अ क्लीन ब्रश ऑफ, क्या कर लिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली, और जब उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो मेड अ क्लीन ब्रश, अर्थात उसने अपना हृदय साफ कर लिया, अब उसके मन में कोई गंदगी नहीं रह गई, क्या हो जाएगा फिर, मेड अ क्लीन ब्रश का मतलब कन्फेशन विदाउट रिजर्व, यानी बिना कुछ छिपाए, बिना कुछ वो किए, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शी ट्राइज वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन प्रयास करती है टू कीप अप विद हर रिच नेबर, टू कीप अप विद, टू कीप अप विद मीन्स होता है बराबरी करना, बराबर पे आना, तो क्या हो जाएगा, टू कीप इन टच, तो होगा नहीं इमिटेट अवॉइड, ये देखिए, टू बी ऑन पार, यानी एक तरह से आगे निकल जाना या बराबरी पे आ जाना, यानी टू कीप अप विद मीन्स टू बी ऑन पार, यानी बराबरी पे आ जाना। 40th नंबर आ गए हम लोग, when he saw the snake he took to his head, ये तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा, 8 to 1's heels means होता है रफ 76 हो जाना, 9 to 11 हो जाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखने, ये हो जाएगा ran away in fear, यानी डर करके वो भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, he has to abide by the hard and fast rules of the coaching, तो अगर किसी कोचिंग का हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, तो फिर वो कोचिंग क्या कर रही है, वो स्ट्रिक्टनेस शो कर रही है, मीन्स वो कोचिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हार्ड एंड फास्ट का हो जाएगा स्ट्रिक्ट।
42nd क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं. She goes to her mother's house up and on. बहुत आसान है, आपको याद होगा up and on में जब तक यानी यदा कदा बीच बीच में, तो क्या हो जाएगा? Frequently, occasionally, rarely, sometimes. Up and on means होता है जब तब, तो क्या हो जाएगा? Occasionally, यानी रह रह के वो अपने वहां पर जाती रहती है. The robber murdered the woman in cold blood for the sake of the jewels. जब आप गहनों के लिए किसी वोमन का मर्डर करते हैं, वो भी कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं, इट मीन्स बड़ी निर्दयता के साथ, बड़ी भावहीनता के साथ करते हैं, आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है. तो मर्डर इन कोल्ड ब्लड मीन्स होता है अ मर्डर विदाउट फीलिंग, यानी एक ऐसी हत्या जिसमें आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती, कोई इमोशन ना होती हो, इट इज अ मर्डर इन कोल्ड ब्लड. नेक्स्ट आपका है Indians are going places in the field of software technology. Going places क्या होते हैं? जब आप talented होते हैं, successful होते हैं, तो you are going places. क्या हो जाएगा going places का? Talented and successful. Going places का. ये भी कई बार exam में आपको दिया गया. चलिए 45 क्वेश्चन हमारा है. He went on showing wild oats. He reaped suffering his later life. चूंकि उसने अपनी युवावस्था में ही वाइल्ड ओट्स बोया था, इसलिए बाद के जीवन में उसे सफरिंग शो क्या करना पड़ा? रीप करना पड़ा. सो वाइल्ड ओट्स मीन्स होता है युवावस्था में बहुत सारी गलतियां कर जाना, इसका परिणाम आपको बाद की अवस्था में भुगतना पड़ता हो, तो क्या हो जाएगा? ये देखे है इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर शेकिंग इन यंग एज, यानी सोविंग वाइल्ड ओट्स का मतलब हो जाएगा irresponsible pleasure shaking young age. जब आपने युवावस्था में ही तमाम तरीके की भोग विलास की चीजों में अपने आप को लगा लेते हैं, you are sowing wild oats. Next question आपका है, I don't know why she has become stand office recently. Stand off में is से जोड़कर adjective बना दिया गया है. Stand office means जब आप उदासीन हो जाते हो, किसी से कोई मतलब नहीं रहता हो, तो आप स्टैंड ऑफिस हो जाते हैं. तो जब आप उदासीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आप इंडिफरेंट हो जाते हैं ना, तो स्टैंड ऑफिस का हो जाएगा इंडिफरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट. जब आप ब्लो योर ओन ट्रम्पेट करते हैं, तो आप अपनी सुनते हैं, अपनी हाथ से किसी और की बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं. तो ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट मीन्स तो प्रेजिंग वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, यानी अपनी ही उपलब्धियों का बखान करते जा रहे हैं, अपने ही मुंह में या मिठू बन रहे हैं आप. तो ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स प्रेजिंग वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट. और ये आपका आ गया 40th क्वेश्चन. आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर टू हिम. मैं जानता था कि उसके पास एक एक्स है ग्राइंड करने के लिए, एंड टर्न डाउन मीन्स इनकार कर देना, मना कर देना, इसलिए मैंने उसकी ऑफर के हेल्प को टर्न डाउन कर दिया, इनकार कर दिया. क्यों? क्योंकि उसके पास एक एन एक्स टू ग्राइंड था, मीन्स उसका अपना स्वार्थ था, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ था. तो एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व हो चाहिए, ठीक है. और ये 49th क्वेश्चन हमारे सामने आ गया. The saint's life was an open book. यानी जो संत का जीवन था वो बिल्कुल open book था, मीन्स एक खुली किताब किया था, उसमें कोई भी secret नहीं था, सब लोग उसके बारे में जान सकते थे, यही ना. यानी वन एक ऐसा जीवन था, held no secrets, जिसमें कोई भी secret नहीं था, कोई छिपी हुई चीज नहीं थी. तो ये आपका हो जाएगा an open book. और ये 50वां क्वेश्चन हमारे सामने है. Reading between the lines, I realized that my friend wanted to keep something from me. Keep from means जानते होंगे छिपाना होता है, दूर करना होता है. तो reading between the lines means क्या होता है? यानी जब आप किसी चीज के छिपे हुए अर्थ को समझ लेते हैं, you are able to read between the lines. तो क्या हो जाएगा इसका? Looking for meanings that are not actually expected हो जाएगा. यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, छिपे हुए अर्थ को समझ लेना, अर्थात जो लिखा नहीं गया है उसे आप ताल में रहें. यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस. ये 50 idioms एंड phrases है. ये पहली सीरीज है मेरी, मैं इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे मैं दे दूंगा. करीब 200-250 idioms मैं आपको दे दूंगा, तो हर हाल में ये आपके एग्जाम्स में आपको मिल जाए. ये पहली कड़ी है,
सारे ये जो 50 एरियम्स हैं आप तैयार करें, निश्चित ही आपके एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी, विश्वास करें। ठीक है, तो अगली सीरीज के लिए यानी एरियम्स एंड फ्रेजेस की अगली सीरीज के लिए वेट करें मेरे अगले वीडियो का, और ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, जो कमियां हो वो भी बताएं ताकि आगे और बेहतर करने की मैं कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच।